अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपने कई यूनिक प्रोजेक्ट्स के लिए चर्चा में रहती है। कल रविवार रात करीब 8:30 बजे अमेरिका के उटाह में मौजूद ग्रेट सॉल्ट लेक डेजर्ट में अंतरिक्ष से एक कैप्सूल आया है। इस कैप्सूल में उस एस्टेरॉयड की मिट्टी का सैंपल है जो आज से ठीक 159 साल यानी 24 सितंबर 2182 में धरती से टकरा सकती है, जिसका नाम बेन्नू है। माना जाता है कि इस एस्टेरॉयड की टक्कर से 22 परमाणु बमों के विस्फोट जितनी तबाही मचेगी और इससे ही बचने के लिए नासा ने ओसाइरिस रेक्स मिशन को लॉन्च किया था ताकि उसके मिट्टी के सैंपल से ये पता किया जा सके कि वो एस्टेरॉयड कितना मजबूत है और उसे मिसाइल से अंतरिक्ष में उड़ाया जा सकता है या नहीं। नासा ने साल 2016 में ओसाइरिस रेक्स नाम के स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था, जिसने साल 2020 में एस्टेरॉयड बेन्नू की मिट्टी का सैंपल इकट्ठा किया। उसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट धरती के पास से गुजरा और इसने अपने कैप्सूल को लगभग 1,00,000 किलोमीटर की दूरी से धरती पर छोड़ा। अमेरिका से पहले जापान एक एस्टेरॉयड का सैंपल पृथ्वी पर लाया था। इससे ये भी पता लगेगा कि पृथ्वी बनी कैसे थी। ये अमेरिका का पहला मिशन है जिसे एक एस्टेरॉयड का सैंपल लाने के लिए भेजा गया था। इसने 3 साल पहले बेन्नू से सैंपल जमा किया और तब से ये धरती की तरफ लौट रहा था। 45 किलो के कैप्सूल में करीबन 250 ग्राम सैंपल मौजूद है।